लेकिन बोर्ड से भी तेज श्रीनिवास गौड़ा। साई के हेड कोच ने बताया क्या है रफ्तार का साइंस। नई दिल्ली, पिछले कुछ दिनों से कर्नाटक के श्रीनिवास गौड़ा चर्चा में है। दावा किया जा रहा है कि बफेलो रेस भैंसा दौड़ के दौरान श्रीनिवास ने 100 मीटर की रेस महज 9.55 सेकंड में ही पूरी कर दी, जबकि 142.50 मीटर की दूरी 13.62 सेकंड में पूरी की, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड उसेन बोल्ट का 9.58 सेकंड में 100 मीटर से कहीं बेहतर है। तमाम हस्तियों ने उसेन बोल्ट से तुलना करते हुए उनका ट्रायल लेने और ओलंपिक में भेजने की मांग की है। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने तत्काल एक्शन लेते हुए इस रेसर के लिए ट्रायल की व्यवस्था भी कराई है, हालांकि गौड़ा ने फिलहाल ट्रायल से मना कर दिया है। इसकी वजह चोट मानी जा रही है। खैर, यह तो रही श्रीनिवास गौड़ा की बात। अब बात करते हैं कि क्या यह संभव है वह हुसैन बोल्ट से तेज दौड़े होंगे या वह तेज दौड़ सकते हैं। इन्हीं सब सवालों का जवाब नवभारत टाइम्स ऑनलाइन ने यूथ कैंप में भारत की स्टार महिला एथलीट हिमा दास को कोचिंग दे चुके डॉक्टर वजीर सिंह से जानना चाहा है। आइए जानते हैं उन्होंने इस बारे में क्या कहा। पढ़े बोर्ड से भी तेज श्रीनिवास गौड़ा 9.55 सेकंड में दौड़े 100 मीटर। गौड़ा की फर्राटा साइंस को असिस्टेड रन कहते हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के सोनीपत सेंटर में हेड कोच वजीर सिंह ने सबसे पहले तो गौड़ा की रेस के प्रारूप को बताया। उन्होंने बताया, देखिए सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि श्रीनिवास उस रेस में अकेले नहीं दौड़ रहे थे, वह जिस भैंसे के साथ थे जो उनसे कहीं तेज दौड़ रहा था। इससे गौड़ा को तेज दौड़ने में मदद मिल रही थी। इसे एक लाइन में हम असिस्टेड रन कहते हैं। क्या है असिस्टेड रन? वजीर ने इसके बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि अगर श्रीनिवास की उस स्पीड को समझना है तो सबसे पहले आपको असिस्टेड रन को समझना पड़ेगा। उन्होंने बताया, जब किसी को किसी की मदद से दौड़ाया जाए तो उसे असिस्टेड रन कहते हैं। ऐसा हम लोग एथलेटिक्स में भी करते हैं। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमारा कोई एथलीट अपने समय में सुधार नहीं कर पाता। मान लीजिए कोई सामान्यतः 10.6 या 11 सेकंड में 100 मीटर दौड़ रहा है और लगातार प्रैक्टिस करने के बाद भी वह अपने पुराने समय को ही निकाल रहा है, तो उसमें सुधार के लिए हम असिस्टेड रन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम कई बार बाइक का भी यूज करते हैं। बाइक में रेसर को टोचन करते हैं और उसकी स्पीड रेसर से 5-10% अधिक रखते हैं। बार बार असिस्टेड रन करने से रेसर की स्पीड में सुधार होता है। पढ़े भारत के उसेन बोल्ट ने ट्रायल देने से मना किया। किस तरह भैंसे ने की होगी श्रीनिवास की मदद? किस तरह असिस्टेड रन करता है काम? किस तरह असिस्टेड रन मदद करता है? इसके जवाब में उन्होंने बताया, देखिए असिस्टेड रन के वक्त रेसर अपना फोर्स तो लगाता ही है, साथ में उसे असिस्ट जो उससे तेज दौड़ रहा होता है करने वाले से भी मदद मिलती है। असिस्टेड रन के दौरान एथलीट के बॉडी को ब्रेन से उतनी ही स्पीड का मैसेज जाता है। नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम का कोऑर्डिनेशन भी उसी के हिसाब से होने लगता है। इसका असर मसल्स फाइबर और न्यूरॉन पर भी पड़ता है, जिससे रेसर का फायरिंग रेट रनिंग स्पीड बढ़ जाती है। इस प्रैक्टिस के बाद जब रेसर अकेले दौड़ता है तो वह पहले की रफ्तार से थोड़ा बेहतर करता है। श्रीनिवास गौड़ा के साथ क्या हुआ होगा? उन्होंने इसके बाद श्रीनिवास गौड़ा की बात करते हुए कहा, यही हुआ है श्रीनिवास गौड़ा के साथ। बार बार प्रैक्टिस करने से श्रीनिवास की बॉडी ने भैंसे की स्पीड के साथ दौड़ने के लिए खुद को ढाल लिया। किसी सामान्य रेसर को अगर भैंसे के साथ टोचन उसकी रस्सी के साथ बांध दिया जाए या पकड़कर दौड़ाया जाए कर दिया जाए तो वह 15-20 मीटर बाद औंधे मुंह गिर पड़ेगा। कीचड़ में तो वह भी संभव नहीं है। यह अभ्यास ही था जो गौड़ा भैंसे के साथ ताल से ताल मिलकर 100 से अधिक मीटर तक दौड़ गए। बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ना कितना संभव? भारत के लिए युवा प्रतिभाओं को खोज रहे कोच ने कहा, हर रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ही बनता है, लेकिन उसेन बोल्ट का 9.58 सेकंड में 100 मीटर दौड़ का रिकॉर्ड टूटना इतना आसान भी नहीं है। अगर होता तो दुनिया भर में ढेरों एथलीट उसके लिए जोर लगा रहे हैं और तोड़ देते। रही बात श्रीनिवास की, तो ट्रायल होना है। जब होगा तो पता चल जाएगा कि वह कितना तेज दौड़ते हैं। इसके बारे में जानने के लिए हम लोग उत्सुक हैं। ट्रायल में वह अगर रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाते हैं और आसपास भी रहते हैं तो हमारे लिए अच्छा होगा। मैं तो यह सोच रहा हूं कि वह अभी तक हमारी पहुंच से दूर कैसे रहे। सरकार ढेरों प्रोग्राम चला रही है और प्रतिभाओं को खोजने निखारने का काम किया जा रहा है। वह पहले भी दौड़ते रहे होंगे। पढ़े भारत के उसेन बोल्ट ने ट्रायल देने से मना किया। कौन है श्रीनिवास गौड़ा?
श्रीनिवास गौड़ा कर्नाटक के रहने वाले हैं और कंबाला रेस में दौड़ते हैं। श्रीनिवास गौड़ा ने कंबाला रेस के दौरान कितने सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय की? श्रीनिवास गौड़ा ने कंबाला रेस के दौरान महज 9.55 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय की। सबसे तेज 100 मीटर की रेस पूरी करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके नाम है? सबसे तेज 100 मीटर की रेस पूरी करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड जमैका के उसेन बोल्ट 9.58 सेकंड के नाम है। ऐप शेयर कर